गुड मॉर्निंग 11th क्लास, हम लोग ने प्रॉपर बार डायग्राम्स एंड पाई चार्ट कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे सॉल्व करें, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर मैं देखूँ तो बहुत जनरल भी है, लेकिन बच्चों को एक डायरेक्शन चाहिए कि सच क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चे, ड्रॉ अ सूटेबल डायग्राम। हमें नहीं पता किस टाइप का डायग्राम बनाना है, तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर डिपेंडिंग अपॉन द गिवन स्टेटमेंट हम ये पहले देखेंगे कि हमें किस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ अ सूटेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके क्लास, आपको दो फैक्ट्रीज गिवन है, फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री वाई। ये क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब जितने में उन्होंने वन यूनिट अपने प्रोडक्ट की बनाकर बेची। एक्स ने एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या है 400, और वाई ने एक यूनिट कितने रुपए में बेची है 600 में। क्वांटिटी सोल्ड, इसका मतलब एक्स ने कितनी क्वांटिटी बेची, वाई ने कितनी क्वांटिटी बेची। एक्स ने कितनी बेची 20, वाई ने कितनी बेची 30। अब एक कॉस्ट एस्टिमेट दिया हुआ है, जैसे मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, लेबर को मैं क्या पे करती हूँ बेटे, वेजेस। ठीक है, मटेरियल, रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, तो दैट इज मटेरियल कॉस्ट। मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस। ओके क्लास, आगे टोटल गिवन है, मतलब इन तीनों का टोटल मुझे यहाँ गिवन है, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उन जितने भी कॉस्ट है उनका टोटल यहाँ गिवन है। जैसे 3200 प्लस 2400 प्लस 1600 डैट कम्स 7200। ओके, सिमिलरली सारा डेटा मुझे किस फैक्ट्री का गिवन है, फैक्ट्री वाई का। ठीक है, अब बेटे मेरे दिमाग में ना ये भी आ रहा है, बड़ी सारी कॉस्ट गिवन है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट गिवन है ना, पार्ट्स ऑफ कॉस्ट गिवन है, ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें मैं टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट्स ऑफ वैल्यू शो कर सकती हूँ। किसमें, इस वाले डायग्राम में ना। ये कौन सा डायग्राम है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम है ना। तो मेरे को क्लियर कट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडिया मिल गया, सुटेबल डायग्राम क्या होगा इस केस में, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब दोबारा बता रही बच्चे, कैसे पता चला, क्योंकि आपको कॉस्ट का पार्ट्स गिवन है और टोटल वैल्यू गिवन है, उसको कौन सा बार डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, सब डिवाइडेड टोटल वैल्यू, और पार्ट्स भी कौन रिप्रेजेंट करता है बेटे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके क्लास, तो अब कैसे कैसे, लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे भी स्टेटमेंट में कुछ गिवन है। क्या गिवन है, ऑल्सो शो द प्रॉफिट और लॉस एज द केस मे बी। इट मीन्स प्रॉफिट और लॉस, आपको एक बात बताओ बच्चे, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपये है सपोज, और कॉस्ट प्राइस 80 है, बेचा ज़्यादा में बनाया कम में, तो मुझे क्या आया, प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, प्लस साइन से। कितने का प्रॉफिट, 20 का। इफ सेलिंग प्राइस इज 100 एंड कॉस्ट प्राइस इज 130, मतलब बना 130 में और बेचा 100 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। कितने का बेटे, 30 का, और लॉस को मैं किस साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ, माइनस से। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस में से अगर मैं ये सब चीज़ें माइनस करूं तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का एस्टीमेट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो बच्चे, ये सेलिंग प्राइस कैसा गिवन है, पर यूनिट है ना, और ये क्या गिवन है, टोटल। तो पहले इन सब को किस में कन्वर्ट कर दूं, पर यूनिट में। समझ आया बच्चे, किस में कन्वर्ट कर दूं, पर यूनिट में। देखो कॉस्ट एस्टीमेट, ठीक है, कितनी फैक्ट्रीज हैं बच्चे,
दो फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री वाई, ठीक है, आइटम्स। ओके क्लास, सबसे पहले देखो बेटे, आपको हम पहले कोस्ट ले रहे हैं, पहले हम सारी की सारी कोस्ट ले रहे हैं। पहली कोस्ट क्या गिवन है, वेजेस। दूसरा कितना क्या गिवन है, मटेरियल्स। थर्ड क्या गिवन है, मिसलेनियस। नेक्स्ट इज टोटल, ठीक है। यहां पर पहले टोटल निकालो, टोटल तो हमें गिवन है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। यहां पर क्या निकालूंगी, पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीस, ठीक है बच्चे। किसकी, फैक्ट्री एक्स की। टोटल एक्स की वेजेस कितनी गिवन है, 3200। मटेरियल कितना गिवन है, कितने रुपए का मटेरियल यूज हुआ, 2400 रुपीस का। एंड मिसलेनियस इज 1600 एंड द टोटल इज 7200। ओके, सिमिलरली मैं वाई का लिखूंगी, वाई का वेजेस कितना गिवन है टोटल, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर यूनिट इन रुपीस। ओके, आपको वेजेस कितने गिवन है, 6000, मटेरियल 6000 एंड मिसलेनियस 9000। ओके, एंड द टोटल वन इज 21000। ओके, अब मुझे ना बेटे क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो मैं कौन सा साइन यूज करूंगी, प्लस। लॉस होगा तो कौन सा साइन यूज करूंगी, माइनस। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटे, पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करूं। मेरे को इसका मतलब, सपोज मैंने ना 10 क्वांटिटीज बनाई है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट 1000 है, तो क्या मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकती हूँ। हाँ जी, देखो ध्यान से, 10 क्वांटिटीज की कॉस्ट कितनी है, 1000। एक क्वांटिटी या पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 अपॉन 10, दैट इज 100। इट मींस मैंने टोटल कॉस्ट को क्वांटिटीज जितनी प्रोड्यूस करी उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, सो मैं पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालूंगी, एक्स की जितनी भी कॉस्ट है उसको किससे डिवाइड कर दूंगी, क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड या सोल्ड बाय एक्स। यहाँ पर सेलिंग दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे कौन सी क्वांटिटीज लूंगी, क्वांटिटीज सोल्ड बाय एक्स, एंड यहाँ पर लूंगी क्वांटिटीज सोल्ड बाय वाई, और ये मुझे गिवन है। एक्स ने कितनी क्वांटिटी बेची, 20। इट मीन्स वेजेस पर यूनिट कितना आएगा, 3200 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी बेटे, 20 से। देखो बेटे, 3200 डिवाइडेड बाय 20, 00160। तो पर यूनिट वेजेस ऑफ फैक्ट्री एक्स कितना आ गया बेटे, 160। ऐसे ही 2400 रुपीस का मटेरियल लगा कितनी क्वांटिटीज पर, 20 पर। तो पर का मतलब क्या होता है, 1। एक यूनिट बनाने पर कितना लगा, 2400 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 120। एंड 1600 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 80। ओके, अब इनका टोटल कितना आया बच्चे, दैट इज 360। क्लियर हुआ बच्चे, है ना। ऐसे ही मैं क्या निकालूं, वाई की पर यूनिट टोटल, ठीक है। अब वाई ने कितनी यूनिट्स सोल्ड करी, 30, तो 6000 तो 30 का है, तो एक यूनिट का कितना आएगा बच्चे, 6000 डिवाइडेड बाय 30, दैट कम्स 200। अगेन 200, देन 300। टोटल कितना आ गया पर यूनिट, 700। ओके भाई, ये तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, ये टोटल है, ये पर यूनिट है। मैं यहाँ पर यूनिट यूज़ कर रही हूँ बच्चे, और मैं इजी रहेगा देखो, क्योंकि ये फिगर्स बहुत बड़ी हैं। बेटर वे या अच्छा तरीका क्या रहेगा कि मैं पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर दूं, जिससे मेरे डायग्राम का साइज अट्रैक्टिव एज वेल एज इजी टू फॉर्म हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, आप कर सकते हो बड़े वाला वैल्यू भी, टोटल वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट बेटर वे क्या होगा,
पर यूनिट को रिप्रेजेंट करना। ओके क्लास, तो अब भाई मुझे यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाओ। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, ये तो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे ध्यान से देखो, टोटल यूनिट्स कितनी सोल्ड करी एक्स ने, 20, एक कितने में बेची 400 में, तो 20 कितने में बेची होगी, 400 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितने रुपए आए होंगे उसके पास, 8000, कितना आया होगा बेटे 8000। अब बनाया 7200 में, बेचा 8000 में, तो x का क्या आएगा प्रॉफिट ना, कितना बचे 800, देखो मिले 8000 और बनाने में लगे 7200, सो व्हाट विल बी द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 800, सो 800 विल बी द प्रॉफिट ऑफ फैक्ट्री x। अब ये तो कितनी क्वांटिटीज को बेचने पे मिला 20, तो एक क्वांटिटी का प्रॉफिट क्या होगा बेटे 800 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 40। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस में 40। ओके, अब एक बात बताओ बच्चे, इसका 360 तो बनाने में लगे, प्रॉफिट ऐड करके तो सेलिंग प्राइस आएगा है ना, 360 बनाने में लगे पर यूनिट, और 40 रुपीज़ में अपना मार्जिन रख रही हूँ प्रॉफिट का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 360 प्लस 40 डैट कम्स 400। ओके, इस तरीके से मैंने क्या कैलकुलेट करा, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट, ये प्लस है तो प्लस शोज प्रॉफिट। ओके, अब वाई का निकालेंगे बच्चे, अब वाई का कैसे निकालेंगे, वाई ने कितनी यूनिट्स बेची 30, एक यूनिट कितने में बेची 600 में, तो टोटल सेल्स करने के बाद कितना पैसा आया 18000। ओके, तो सेलिंग 18000 में करी है ना, और एक यूनिट कितने में बेची 600 में। अब आप खुद ही बताओ बेटे, बनाने में लगे 21000 और बेचने के बाद पैसे आए 18000, कितने हजार का लॉस हुआ 3000 का। ठीक है बच्चे, 3000 कितनी यूनिट्स 30 यूनिट्स, तो पर यूनिट लॉस कितने का हुआ 100 का, 100 रुपीज का। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे कौन सा डायग्राम बनाना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। बच्चे कहेंगे मैम अब ये लॉस है तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगी, माइनस से, तो बेटे माइनस है तो डेविएशंस भी आएंगे और सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बनेगा, इट इज व्हाट कॉस्ट एस्टीमेट पर यूनिट। मैंने हेडिंग डाला, बॉक्स बनाया, कौन सा डायग्राम बेटे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, मैं प्रॉपर वे में बना रही हूँ, ध्यान रहे मुझे लॉस भी शो करना है, तो मैं इस तरीके से काम करूँगी, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, यहाँ पर क्या लूँगी फैक्ट्रीज का डेटा है, तो कॉमन बेस लाइन क्या होगी बेटे फैक्ट्री। ठीक है, कितनी फैक्ट्रीज हैं, दो, फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री वाई। ओके, विड्थ एंड द डिस्टेंस मस्ट बी सेम। ओके, सो अब एक्स का टोटल क्या लूंगी बच्चे, जितना भी सेलिंग प्राइस है दैट विल बी द टोटल, कितना है 400, और वाई का कितना है 600, तो बेटे 600 तक जाएगा, तो मैं यहाँ पर 200 का क्या ले रही हूँ बच्चे, स्केलिंग ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है। ओके, अब मैं क्या करूंगी ध्यान से देखो, यहाँ पे 800 भी मैंने ले लिया, ये क्या है बच्चे कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीस। ओके, अब एक्स का एक बार बताओ कितने में बिका 400, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है ना,
कितने में बिका? 600। इसमें लॉस भी तो इंक्लूड है ना, माइनस हो के तो लॉस आएगा, क्योंकि लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करती हो, माइनस। इसलिए मैंने बार्स की लेंथ क्या ली बेटे, सेलिंग प्राइस, उसमें प्रॉफिट भी आ जाएगा, उसमें कॉस्ट भी आ जाएगी। क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करने हैं। तो आप खुद बताओ बेटे, कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं क्या आएगा? सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर मैं कॉस्ट में लॉस है तो माइनस करके तो सेलिंग प्राइस निकालूंगी, क्योंकि लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। इसलिए मैं लेंथ या हाइट ऑफ द बार क्या लूंगी बेटे? सेलिंग प्राइस। और पर यूनिट शो कर रही हूँ तो मैं टोटल ना लेकर क्या ले रही हूँ बच्चे? पर यूनिट ऑफ ईच फैक्ट्री। तो एक्स का कितना है बच्चे? बार 400 तक आएगा। ऊपर क्या लिखूंगी? 400। और वाई का बार किस लेंथ तक का बनेगा? 600। ओके, अब ये तो हो गया। अब मैं कहां से शुरू करूंगी बच्चे? ध्यान से देखो, प्रॉफिट कितने का है? 40। ये 100, ये 50, अप्रॉक्सीमेटली इतना क्या हो जाएगा प्रॉफिट? 40। ओके, 40 के ऊपर बचा 360। इसका मतलब ये क्या है? कॉस्ट का स्पेस। अब देखो बच्चे, आपके वेजेस कितने के हैं? 160। 40 के ऊपर 160, 40 प्लस 160, तो बार का डिवीजन कितने पर आएगा? 160 पर। ओके, इट मींस अभी तक हमने 200 वैल्यू क्रॉस कर ली है। 400 बचे, यहाँ आएगा थोड़ा सा, बोर्ड पे पता नहीं चलता स्केलिंग का, बट आप नोटबुक में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ओके, ये क्या हो गया? 200 पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 120, 200 तक हो गया, 120 और ऊपर, इसका मतलब 200 प्लस 120, 320, like this। आगे 80, बचा हुआ पार्ट क्या होगा बेटे? 80। ओके, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 160 छोटा है, बट क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं करा है। ओके, अब बच्चे मुझे आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, ध्यान से देखो। वेजेस के लिए डैश डैश जो भी है आप अपना रिप्रेजेंट करने के लिए साइंस एंड कलर्स यूज कर सकते हैं। ओके, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अगर करूँगी तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। आगे देखो बच्चे, अब यहाँ पर मैंने लिया माइनस 200, ठीक है। अब यहाँ पर लॉस कितने का है बच्चे? माइनस 100 का, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर फैक्ट्री को लॉस कितने का है? माइनस 100 के। लेकिन बच्चे यहाँ पर एक बात देखिए बच्चे, बार मेरा 700 का है और मैंने यहाँ पर मार्क करा है किस पर? 600 पर। लेकिन वैल्यू तो ये टोटल मिलके कितने की बन रही है? 700। अब ये 600 पर क्यों करा? क्योंकि 700 माइनस 100, दिस रिमेन्स 100, दिस रिमेन्स 600, सॉरी, बिकॉज 700 माइनस 100, दिस रिमेन्स 600। ओके क्लास, तो इस तरीके से मैं शो करूंगी। अब देखो y के वेजेस पर यूनिट कितना गिवन है? 200, देन अगेन 200, ठीक है। लेकिन ये जो पहला बार है बेटे, आप खुद बताओ, अगर मैं 200 लेती जाऊंगी तो ऊपर का टॉप कितने का बचेगा? 200। तो मैं पहले वाले में से लॉस क्या कर दूं? माइनस। इट मींस 200 माइनस 100, फर्स्ट बार को मैं कहाँ रिप्रेजेंट करूँ? 100 पे। लेकिन मैं लिखूंगी कितना? 200, क्योंकि 200 माइनस 100, द स्पेस रिमेन्स 100। क्लियर हुआ? आगे करती जाऊंगी, 200, 100 प्लस 200, 300 पर, बचा कितना? 300। इस तरीके से मैं अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट करूंगी। खुद सोचो बेटे, टोटल वैल्यू तो 700 है, लेकिन 100 तो माइनस हो गया,
वैल्यू का मार्जिन कहाँ तक आएगा? 600 पर। बस इतना ध्यान रखना है, प्रॉफिट वाला इजी है, बस लॉस में मुझे रिप्रेजेंट करने के टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके क्लास, थैंक यू।